अच्छा, मैं ये मान के चलूं कि आप जो भी पार्टी की सरकार बन रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी तो उसमें आप हिस्सेदारी करेंगे? जी बिल्कुल, अपने मुद्दों के साथ हिस्सेदारी करेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए भी तैयार हैं। अब तो चंद्रशेखर जी, तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां उनको भी मन बनने लगा यार हम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ है मन में अभी कि भाई सत्ता में हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, सड़क पर अब सत्ता में भी भागीदारी होगी और आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी आज देश की राजधानी दिल्ली पर राज कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रोटेस्ट किया, इतनी मेहनत की, इतने मुकदमे झेले, इतना हुआ कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूं कि सब लोग बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं, कोई इन कमजोर वंचित वर्ग के और देश के हित के लिए लड़ना नहीं चाहता है। तो अगर मुझे विधायक एमपी बनना होता या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना होता तो मैं उन दलों की तरफ रुख करता जो सरकार में थे। मैंने ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुना जो कठिन है, अपना संगठन बनाना, अपने लोगों की विचारधारा पर आधारित पार्टी बनाना, उसको चलाना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, सरकार के लोग झूठे मुकदमे करते हैं उनसे अपने लोगों को बचाना, आंदोलन करना, ये रास्ता कठिन है, लेकिन मैंने इसलिए चुना कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से परिवर्तन होता तो क्या बुराई है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ एक अच्छी सरकार बने जिसमें साझा प्रोग्राम बने सबके लिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरी लड़ाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं, हमारी लड़ाई इस देश में मानवतावादी, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित सरकार बनाने की, और जिसके जिस जो सरकार उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए, ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को लूट के पूंजीपतियों के हवाले कर दे, ऐसी सरकार हम नहीं चाहते।